और ये रहा चाय। और ये जो लिया हूँ स्प्राइट, ये गाड़ी चलाने दोस्तों, एक बाल्टी पानी आके भर लिया हूँ, इधर से भरा हूँ। ये बावड़ी है, निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। दोस्तों गोभी की सब्जी बनाने के लिए इतना इसका इस्तेमाल करूँगा। ये रहा दोस्तों सामने, जो दोस्तों गोभी लेकर आया था उसका हाफ टुकड़ा ले लिया हूँ। ये रहा गोभी दोस्तों, दोस्तों मसाला भी पक चुका है, थोड़ा पानी डालते हैं दोस्तों। ये रोटी बहुत अच्छा होना। हाय दोस्तों, कैसे आप सब, होप करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों टाइम की बात करें तो इस समय 2 बज गया दोस्तों। अब जाके दोस्तों आँख खुला है, और रात में दोस्तों सोया था करीब 10 बजे, और इतना लॉन्ग सोने का रीजन ये था दोस्तों कि कंटिन्यू गाड़ी चला के आया था पूरा फुल नाइट, इसीलिए दोस्तों आज इतना ज़्यादा टाइम हो गया, इतना समय तक नींद लग गया। और दोस्तों जो हमारे साथ में दूसरी गाड़ी थी सुनील भाई की, वो गाड़ी आ गई है जिस कंपनी में मैं लाया था खाली करने, उसी कंपनी से वो लोड कर रहे हैं। उनकी गाड़ी दोस्तों सामने लगी है, और दोस्तों सुबह से इतना ज़बरदस्त बारिश हो रहा है, इतना ज़बरदस्त बारिश हो रहा है कि अभी तक निकल के कहीं गया भी नहीं हूँ। 2 बजे तो आँख खुला है, 2:30 बजने वाला है, लेकिन अभी तक कहीं जा नहीं पाया हूँ। दिखाता हूँ कैमरा मूव करके, कल रात से ही बरसात है, बंद ही नहीं हो रहा है। ये देखो सामने कितना जबरदस्त बारिश, और ये नीचे वैसा सीमेंटेड रोड तो है नहीं, मिट्टी वाला रोड है। अभी नीचे उतरेंगे ना तो पूरा पैर में मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, चल ही नहीं मिलेगा। जूता हो तो चल मिले, चप्पल से तो चल ही नहीं मिलेगा, फटर फटर करेगा, जितना कचरा होगा ऊपर ही मारेगा, पीछे पूरा कचरा ही कचरा लग जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अब बाहर चाय पी के आते हैं, क्योंकि सुनील भाई की गाड़ी लोड हो गई। सुनील भाई गाड़ी लाके हमारे गाड़ी के जस्ट सामने खड़ा कर दिए हैं, शायद दरवाज़ा बंद करने गए हैं क्या, देखते हैं क्या करने गए हैं। साथ में लेकर चलते हैं, चाय पी के आते हैं। ओ सुनील भाई, सुनील भाई आ, चलिए चाय पी के आते हैं। ओ भाई दोस्तों पहुंच गए हैं होटल पे, और चाय आ गया दोस्तों, और अपना नाश्ता भी आ गया। ये रहा दोस्तों समोसा, और ये रहा चाय, और ये जो लिया हूँ स्प्राइट, ये गाड़ी में जा सकती हूँ। महंगा दिया लेकिन VIP टाइम में दिया भाई, एक समोसा 20 रुपये का, और एक चाय 20 रुपये का, 20 रुपये का स्प्राइट, टोटल 100 रुपया लगा। ठीक है दोस्तों, खाते हैं हम। दोस्तों नाश्ता पानी करके हो गया, और दोस्तों इसी होटल पे नाश्ता पानी किए हैं। होटल का नाम होनेस्ट है, जो कि सामने मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ये रहा, ये मारुति वाला होटल है दोस्तों, और ये सामने दोस्तों जूस वूस मिलता है, और ये दोस्तों सीधा रास्ता जो है ना विक्रमगढ़ जाता है, यही रास्ता पकड़ के सीधा दोस्तों गांधीधाम जाते हैं। और सुनील भाई इधर बैठे हैं, देखो सामने ये इधर दोस्तों पहुंचने वाले हैं गाड़ी पर। और दोस्तों जिधर सुनील भाई बैठे थे ना, उधर से मैं एक हैट लिया था, जो कि दोस्तों पड़ा 150 रुपये का ये वाला। और दोस्तों मैं यही बोल रहा था कि बरसात में जाने पर जब स्लीपर चप्पल पहनने रहो ना, तो यही तकलीफ होता है। देखो पैर में कैसे लगा मिट्टी, ऐसे मेरे में भी लगा। अभी सुनील भाई का पेपर नहीं मिला है, जब पेपर मिलेगा तो ये निकलेंगे, हमें रुकना पड़ेगा। आज तो हमारा कुछ नहीं होगा, कल का देखते हैं, कल तो हो सकता है कि लोड हो जाए, और लोड होगा तो दोस्तों बेंगलोर के इधर नहीं लोड होगा कि तो चेन्नई लोड होगा कि तो बेंगलोर, दो जगह में से किसी एक जगह का लोड होगा। देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है क्या नहीं होता है। गाड़ी पर तो पहुंच गए हैं दोस्तों, बारिश तो बंद नहीं होगा, भीग भीग के काम करना पड़ेगा, बर्तन साफ करना है तो बर्तन चल के साफ करते हैं। और पानी नहीं है दोस्तों, पानी लेकर आना पड़ेगा, पानी दोस्तों पीछे से लाना पड़ेगा, दिखाते हैं दोस्तों। इधर से पानी लाना पड़ेगा दोस्तों, जो सामने व्हाइट कलर का टंकी दिख नहीं रहा है ये, उसके पहले दोस्तों ये छोटा सा बाल्टी दिख रहा है ना, इधर से पानी लेकर आना है। चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, विदाउट चप्पल जाएंगे, चप्पल पहन के जाएंगे तो पूरा चप्पल भी कचड़ा हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, और विदाउट चप्पल जाएंगे ना तो धो लेंगे तो सारा मिट्टी तुरंत छूट जाएगा। चप्पल वाला छूटने में थोड़ा इशू होता है, छूटता है लेकिन ज़्यादा पानी खपत होता है ना।
और पानी के अपने पास इशू है, बार बार जाना पड़ेगा उतना दूर से लाने अगर पानी खत्म होगा तो। चल के एक बाल्टी पानी लेकर आते हैं, फिर चल के पता करते हैं कि खाना बनाने वाला पानी कहाँ मिलेगा। वो खाना बनाने वाला पानी नहीं है, एक छोटा सा जब बावड़ी है ना, उसी बावड़ी से निकाल के पानी लेकर आना पड़ता है। तो उससे खाना नहीं बना सकते, सिर्फ बर्तन वर्तन साफ कर सकते हैं और नहीं। तो ठीक है दोस्तों, चल के लेकर आते हैं। दोस्तों एक बाल्टी पानी आगे भर लिया हूँ, इधर से भरा हूँ दोस्तों। ये बावड़ी है इधर से, और दोस्तों मैं यही दिखा रहा था कि सामने वाइट टंकी है, पानी की टंकी है दोस्तों। अब मग्गा रखते हैं अंदर और बंद करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी बरस रहा है और विदाउट चप्पल आया हूँ। ऐसे सामने से लेकर दोस्तों, फिर ऐसे घूम के उधर जाना गाड़ी तक। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं पानी लेकर। दोस्तों बर्तन साफ करके गाड़ी के अंदर रख दिया हूँ, और दोस्तों पानी वैसा नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए, और जैसे कल पानी लेकर आया था दोस्तों ऐसे जाके कंपनी के अंदर से पानी लेकर आना पड़ेगा। और 2 लीटर पानी था दोस्तों, तो निकाल के वो भगोने में रख दिया हूँ, और चल के 2-2 लीटर पानी लेकर आएंगे दोस्तों। 4 लीटर हो जाएगा, और 2 लीटर अंदर है, 6 लीटर हो जाएगा। और बर्तन साफ करने वाला पानी थोड़ा सा रखा हूँ, तो खाना इतने में बन जाएगा दोस्तों। आज के लिए हो जाएगा, कल के लिए नहीं होगा। कल का देखते हैं, कल क्या होता क्या नहीं होता। कल हो सकता है कि गाड़ी लोड होके निकल जाए, अगर नसीब सही रहेगा तो। और दोस्तों ऐसी जगह पे ना यही समस्या होता है जब बारिश हो जाता है तब। तो वो मेरी गाड़ी इधर लगी है ना, सही है। जैसे कल मैं लगाया था ऐसे सीधा सीधा मैं लगाया था, उधर लगाया होता तो मेरी भी गाड़ी फंस जाती, जैसे ओ भाई साहब की गाड़ी फंसी है बेचारे का। 1.5 घंटा हो गया परेशान है, अभी तक गाड़ी निकली नहीं है। अभी कोई गाड़ी वाला पीछे से बजा के रस्सी से खींच देता तो तुरंत निकल जाती, अगर गाड़ी लोड ना होगी तो। तो ठीक है दोस्तों, चलते लेकर आते हैं। पानी देख रहे हो पैर में, देखो ऐसे दिखाते हैं, देखो कितना कचरा पैर रखने के बाद में ऐसे होता है। देखो कहीं भी रखोगे पूरा कचड़े कचड़ा। नीचे उतरने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में उतरना पड़ता है। चल के दोस्तों लाते हैं पानी, फिर चलते हैं मार्केट, लेकर आएंगे सब्जी। सब्जी बनाएंगे, ना कि दाल फ्राई, ना कि तड़का। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई भाई निकल गई। दोस्तों पानी लाके गाड़ी में रख दिया हूँ, और दोस्तों दरवाजा दोनों साइड का लॉक कर दिया हूँ। अब चल के दोस्तों मार्केट से लेकर आते हैं सब्जी, और सब्जी दोस्तों यहाँ पे सही नहीं दे रहा था, तो यहाँ से सब्जी नहीं लेंगे। पता किए तो बोले गेट के बाहर जाओगे तो वहाँ से टेम्पू करना, बोल देना टाटा गेट नंबर 2 पे उतार दो, तो ऑटो वाला 10 रुपया लेगा, उधर उतार देगा तो 10 रुपया देकर जाना पड़ेगा, फिर वैसे सिस्टम आपको करना पड़ेगा, यानी 20 रुपया किराया लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, लेकर आते हैं सब्जी। दोस्तों गेट के बाहर आ गया हूँ, रोड के किनारे खड़ा हूँ, और 2 टेम्पो वालों को हाथ दिया, रोके नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कोई टेम्पू वाला खाली आता है कि नहीं। एक में 2 बंदे थे, एक में 1 बंदा था, एक टेम्पू वाला फिर निकला, देखते हैं कोई ना तो कोई बैठाएगा जरूर। दोस्तों 15-20 मिनट हो गया एक दर पे खड़ा होके, कई टेम्पू वाले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों बैठा नहीं रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अब जाएंगे नहीं, और चल के कल वाले मार्केट से ले लेते हैं सब्जी, क्या करेंगे, जो सस्ता महंगा देगा लेना ही पड़ेगा। आज दोस्तों ऐसा लग रहा है नसीब ही खराब है क्या, जिस दुकान पे कल आया था सब्जी लेकर गया था उसी दुकान पे आज भी आया हूँ तो आज बंद है, सब गाय खड़ी है इनके दुकान पे, वो दुकान बंद है। ठीक है दोस्तों, आगे से चल के टेम्पू पकड़ते हैं, इधर से देखते हैं कोई टेम्पू वाला बैठाता है कि नहीं बैठाता है, नहीं बैठाएगा दोस्तों तो दाल फ्राई बनाएंगे, क्या करेंगे। दोस्तों आगे आया तो सामने एक दुकान खुली है, चल के इधर से ले लेते हैं अगर मिलता है तो, और मिलेगा जरूर दोस्तों, देखते हैं क्या मिलता है। गोभी तो है, और क्या है, ये सीम है, और टमाटर पात गोभी सब है। हमको लेना है फूल गोभी, चल के पता करते हैं, देखते हैं कैसे देते हैं, एक पाव लेना है। दोस्तों सामान लेकर गाड़ी पर पहुंच गया हूं, और दोस्तों दुकान से यही सामान लिया था, 45 रुपये का गोभी लिया था दोस्तों, जो कि था 600 ग्राम, और दोस्तों 2 ये गठिया लिया था, बीटेस लिखा है। ये दोस्तों थोड़ा महंगा पड़ा,
ये दोस्तों मुश्किल से हमको 20-25 रुपए में मिल जाना चाहिए था, लेकिन महंगा मिला, थोड़ा ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, लेकिन मिल गया। धनिया का पाती नहीं लिया था दोस्तों, धनिया का पाती अपने पास था, ये इतने में काम चल जाएगा। अभी सूखा नहीं है दोस्तों, अगर गर्मी होता ना तो सूख जाता, लेकिन मौसम कल से बहुत ठंडा है ना, और बरसात अभी तक बंद नहीं हुआ, कल 10 बजे से चालू था बारिश होना, अभी तक हो ही रहा है। दाढ़ी बनाने वाला दुकान दोस्तों दिखा था, लेकिन नाइट हो गया था इसीलिए दोस्तों बनवाया नहीं, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों लोड वोड करके तब रास्ते में कहीं बनवाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, गोभी वोभी काट वाट के तैयार व्यार करते हैं। दोस्तों गोभी की सब्जी बनाने के लिए इतना चीज का इस्तेमाल करूंगा। ये रहा दोस्तों सामने, जो दोस्तों गोभी लेकर आया था उसका हाफ टुकड़ा ले लिया हूँ। ये रहा गोभी दोस्तों, 2 पीस आलू लिया हूँ दोस्तों, 1 पीस टमाटर, 1 पीस प्याज और 1 पीस लहसुन और 4 मिर्चा लिया हूँ दोस्तों। और जब मसाला डालूंगा दोस्तों दिखा दूंगा कौन सा मसाला कितना ले रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसको काट पीट के तैयार करते हैं। दोस्तों सब्जी काट के तैयार हो गया है, ये रहा दोस्तों सामने। और दोस्तों आलू और गोभी को इसमें डाल देते हैं। कहाँ से कीड़ा गिर गया, छोटा सा निकाल दिया। डाल के दोस्तों इसको गैस पे रख देंगे, 50% पका लेंगे उसको, और 50% पकने के बाद में दोस्तों उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में दोस्तों तड़का मार के फिर मसाला डाल के बनाएंगे। मसाला भी दोस्तों निकाल लिया हूँ, मसाले में है दोस्तों नमक है, लाल मिर्च है, उसके बाद में धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये है दोस्तों जीरा पाउडर, ये है काली मिर्च थोड़ा सा पाउडर, और हल्दी, इतना चीज दोस्तों जाएगा। अब चल के दोस्तों रखते हैं इसको गैस पे। दोस्तों हमारा आलू और गोभी दोनों 50% हो गया है, ये रहा दोस्तों सामने। अब दोस्तों पानी निकालता हूँ ऐसे पकड़ के, हाँ इधर गिरा देते हैं। पूरा पानी निकल गया दोस्तों, इसको किधर इधर इसको निकाल लेते हैं इसको, ये रहा दोस्तों। तो ये जो पानी बाटल वाला इसमें डाला था इसमें डाल देते हैं, और सब्जी बनाएंगे भगोने में, और गैस को थोड़ा तेज करते हैं दोस्तों। चावल भी थोड़ा सा बनाएंगे और रोटी भी बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आटा खरीद के रखा था ना, 2 केजी ये है, 1 केजी अंदर है, तो ये आटा भी खराब हो जाएगा, इसमें कीड़ा लग जाएंगे, तो इसीलिए दोस्तों इसको बना लेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो जैसे दाल और चना खराब हुआ है ना वैसे ही आटा भी हमारा खराब हो जाएगा। और दोस्तों तड़का मारने के लिए सब्जी रेडी है, ये रहा दोस्तों प्याज, ये 2 पीस रहा मिर्चा जो कि 4 टुकड़े में कर लिया हूँ, ये छोटा सा दोस्तों जो दिख रहा है ना इसमें थोड़ा सा इलायची है 2 पीस और 2-3 पीस लवंग है, बाकी दोस्तों और जो कमी रहेगा वो गरम मसाला पूरा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों तेल डाल के गरम करते हैं, फिर तड़का उड़का मार के फिर गोभी बनाते हैं। दोस्तों तेल हमारा गरम हो गया है, अब डालते हैं लवंग मिर्चा और इलायची। अब दोस्तों डाल देते हैं प्याज को। दोस्तों प्याज हल्का ब्राउन कलर का हो गया है, अब दोस्तों इसमें डालते हैं टमाटर और टमाटर लहसुन और मिर्चा का पेस्ट, ये रहा दोस्तों डाल दिया हूँ, डालने में जल्दी नहीं करता ना तो ये पूरा जल जाता है हमारा। दोस्तों मसाला भी पक चुका है, अब थोड़ा पानी डालते हैं दोस्तों। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अपना जो आलू और गोभी है ना वो पहले से पका हुआ है, थोड़ा उबाल आए फिर इसमें डाल के ढक्कन से ढक देंगे, बस 5 मिनट पकाएंगे दोस्तों फिर उतार देंगे, हो जाएगा। सब्जी तैयार हो गया दोस्तों, अब इसके ऊपर डालते हैं कड़ी का पत्ता और धनिया पत्ता। अब दोस्तों इसको उतार देते हैं ढक के।
अब आटा गूंद लेते हैं, बड़ी वाली थाली निकालना पड़ेगा। दोस्तों सब्जी हो गया, चावल भी हो गया और दोस्तों आटा भी गूंद के हो गया। अब चल के बनाते हैं दोस्तों, तावा भी गर्म होने वाला है, हो जाएगा थोड़ी देर में। कचड़ा पोंछ देते हैं, सही हो गया। 6-7 रोटी दोस्तों टोटल बनेगा, अभी देखते हैं कितना रोटी निकलेगा इतने आटा में। बहुत दिन बाद रोटी बनाने जा रहा हूं दोस्तों, बस अच्छा बनना चाहिए, बस यही आशा करते हैं और क्या कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि रोटी गोल बने, लेकिन देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। बनेगा जरूर, तावा छोटा है ना, उसी के हिसाब से रोटी बनाना पड़ेगा। और हमारा तावा दोस्तों बहुत पतला, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ज़्यादा आँच करेंगे ना तो रोटी जलना चालू हो जाएगा, इसलिए दोस्तों बहुत हल्का आँच किया हूँ, यानी कि गैस बहुत कम किया हूँ जिससे आँच कम लगे। अब यही एक रोटी लास्ट बनाना है दोस्तों, फिर ओके, फिर सब कुछ धो धा के रख के फिर खाना निकाल के फिर खाएंगे फिर सोएंगे। ये रोटी बहुत अच्छा फूला। अब बंद करते हैं दोस्तों, हो गया खाना बना के। इसका जो चालू और बंद करने वाला बटन नहीं है दोस्तों, वो नीचे गिरा था, मैं उठा के फेंक दिया, मैं समझा किसी दूसरे चीज का है, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था कि ये गैस का है, फेंक दिया। अब इसको लगवाना पड़ेगा वहीं पर, फिर 10-15-20 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, सस्ता नहीं देते, जबकि उसको 5 रुपये में आ जाना चाहिए, लेकिन कोई 5 रुपये का नहीं देता, सब लोग महंगे देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ड्राइवर 150 रुपया तोड़ के लेकर आते हैं, लेकिन नहीं पता कि कितना मेहनत करना पड़ता है। इतना रोटी हुआ टोटल दोस्तों, इसको निकाल के इधर रखते हैं और ये आटा जो है फेंक देते हैं। देखो कितना आटा लग गया, इधर इधर लग गया, क्या करें, इसीलिए सीट बहुत जल्दी गंदा होता है। पानी निकालते हैं, इसी में है पानी। ये दोस्तों कचड़ा है। अब दोस्तों खाना निकालते हैं, सब कुछ काम करके ओके हो गया, कचड़ा रखते हैं इधर। ये रहा दोस्तों चावल और ये रहा दोस्तों सब्जी, क्या लाजवाब महक आ रहा है दोस्तों, ये देखो खुशबू बहुत जबरदस्त आ रहा है इसका। निकालते हैं, सूखा है बनाया हूँ, ज़्यादा सूखा भी नहीं है, गीला है, चावल से खाने लायक है और रोटी से नहीं। ये देखो दोस्तों इतना निकाला हूँ, इसको रखते हैं और चावल निकाल लेते हैं। ये रहा चावल, चावल भी बहुत ज़बरदस्त बना है। इतना चावल ले लेते आज दोस्तों, इसको बंद करके रखते हैं, क्योंकि जो खाना बड़ा था ना वो खा नहीं पाया था, वो चूहा हल गया था गाड़ी के अंदर ना, तो उसको खराब कर दिया था, इसलिए आज इसको बंद कर देंगे और इसको कपड़े से बांध देंगे, इससे बांध के रखेंगे जिससे चूहा अंदर ना जाने पाए। इसको किधर रखें, इधर ही रहने देते हैं दोस्तों, और रोटी जो है इस पे रख देते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों,
बहुत अच्छे से गल गया है। जैसे दोस्तों 5 स्टार का खाना। फाइव स्टार वाले होटल से कम खाना अच्छा नहीं बना हमारा। दोस्तों खाना खा के हो गया। खाना खाने के बाद में दोस्तों बर्तन सारा पीछे रख दिया हूँ। अब चल रहे हैं दोस्तों सोने के लिए। और सोने से पहले दोस्तों गाड़ी 15-20 मिनट के लिए चालू कर देते हैं, जिससे ये रहे दोस्तों कि बैटरी में चार्जिंग बना रहे। नहीं तो दोस्तों आज दूसरा दिन है ना, आज भी फुल नाइट फैन चालू रहेगा और लाइट का भी यूज होता है तो हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ऊपर से दोस्तों मौसम ज़्यादा ठंडा, बरसात हो रही है कल से, तो अगर चालू नहीं करेंगे तो दुविधा रहेगा कि बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, और डिस्चार्ज हो जाएगा दोस्तों तो बहुत मगजमारी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों चालू करते हैं गाड़ी को, उसके बाद सोते हैं। और दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।